हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामेटिकल रेंज। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारी राइटिंग है वो 4 बेसिस पे चेक होती है, दैट इज टास्क रिस्पॉन्स, सीसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सो इन चारों का जो बैंड स्कोर है 20-25% इसके बेसिस पे हमारा स्कोर होता है राइटिंग का। सो आज हम बात करने वाले हैं इस पार्ट की, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज। सो ग्रामेटिकल रेंज क्या होता है? दैट इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वेरिएशंस इन योर राइटिंग टास्क टू। सो इस फैक्टर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा कि हम जो 25% हमारा जो स्कोर है उसको अटेन कर लें। सो बेसिकली हमें इसमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस को ऐड करना होता है। सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए हमारे राइटिंग टास्क 2 में। सो कौन से सेंटेंसेस हम ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो आता है दैट इज सिंपल। ऑफ कोर्स कहते हैं कि हमारी जो राइटिंग है वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, बट कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस का। सो डेफिनेटली सिंपल सेंटेंस आप जरूर ऐड करोगे। अगर आपका टास्क प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। एंड इन द सेम वे अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंसेस है वो आप यूज करोगे, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा बेसिक रूल है सिंपल सेंटेंसेस का। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक रूल है दैट इज फैन वॉइस। इसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो कि फैन वॉइस का मतलब क्या होता है? फॉर इज स्टैंड फॉर फोर, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, B for but, O or, Y for yet and S for so। सो आप इन जो हमारे कंजक्शन है इनकी हेल्प से कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। कंपाउंड मीन्स दो सिंपल सेंटेंसेस को आप किसी एक कंजक्शन की हेल्प से उसको कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपकी राइटिंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जरूर होने चाहिए, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमारा जो स्कोर है वो 6 से बूस्ट होता है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम क्या ऐड करना है? हम ऐड कर सकते हैं दैट इज ऑल दो सेंटेंस, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इंस्टेड of, despite of। नेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं either or। सो ये जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं इसको हम इन राइटिंग टास्क 2 ग्रामेटिकल रेंज को अटेन करने के लिए इनको ऐड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप है दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड दैट मीन्स एक आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट कर दिया, उसके साथ आपने कंपाउंड सेंटेंसेस को ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ऑल्दो के साथ आपने सेंटेंस क्रिएट किया है दैट इज कॉम्प्लेक्स, प्लस एंड यूज करके उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट यूजिंग फुल स्टॉप, दैट इज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, प्लस एक आप उसमें कंपाउंड ऐड कर रहे हो। फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। इफ और व्हेन की हेल्प से आप कंडीशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी इमेजिनेशन के साथ आपने कोई अपनी बात को एक्सप्लेन करना है कि अगर ये चीज़ होगी तो उसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एंड उस केसेस में आप इफ और व्हेन के साथ सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। सो सिक्स्थ टाइप ऑफ हमारा सेंटेंस है दैट इज प्रेपोजिशनल। प्रेपोजिशनल इन, ऑन और एट बेसिकली हम तीन प्रपोजिशंस को यूज करते हैं हमारे राइटिंग टास्क में। एंड दिस कंटेम्प्रेरी एरा, दैट इज किससे स्टार्ट हो रहा है, इन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो हम उसको प्रपोजिशनल सेंटेंस में काउंट करते हैं। एट द सेम टाइम दैट इज ऑल्सो अ प्रपोजिशनल सेंटेंस। ओके, सेवंथ टाइप ऑफ सेंटेंस इज जेरंड। जेरंड सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो आप वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। so, आप सिंपल सेंटेंस क्रिएट करोगे, उसमें से जो भी आपकी वर्ब है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आओ और उसके साथ आप आईएनजी लगा के उसमें आपने क्या करना है कि उसको जेरंड में क्रिएट कर देना है। सो इससे आपकी जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारा 8th टाइप ऑफ सेंटेंस है और उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोडल्स। Can, could, may, might, जितने भी हमारे मॉडल है उसमें आप सारे इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सो ये भी हमारा वेरिएशंस को लेके आता है, हमारे टास्क में रेंज को बिल्ड करता है। नेक्स्ट 9th इज वॉइस, और यू कैन से द पैसिव सेंटेंस। सो वॉइस और पैसिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, जो सिंपल सेंटेंस है उसको हम वॉइस में पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग बाय एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमने प्रेजेंट इन जो परफेक्ट है वो एग्जांपल लिया है, सब्जेक्ट हैज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसमें ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में शिफ्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब हमारे एज इट इज रहेंगे। सो इस कंडीशन और रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसिव में आएगा बीन, नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, देन सब्जेक्ट एंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो वॉइस एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस आपके राइटिंग टास्क 2 में होने चाहिए अगर आप अच्छा 6+ बैंड स्कोर लेना चाहते हैं। सो ये हमारे 9 टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे, दैट मीन्स 9 टाइप ऑफ वेरिएशंस हैं जो हमारे राइटिंग टास्क 2 में यूज़ होते हैं, एंड इसका 25 बैंड स्कोर है। सो अगर आप ये बैंड स्कोर मीन्स 25% बैंड स्कोर को अचीव करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपको ये 9 टाइप ऑफ वेरिएशंस को अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करना होगा, तभी आप अच्छा बैंड स्कोर है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इन वेरिएशंस के बारे में, सेंटेंसेस टाइप के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए, आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं विद एग्जांपल, सो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।